तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉटल कैपिंग मशीन के अंदर। मेरे पास टोटली तीन तरह की बॉटल कैपिंग मशीन है। पहले रहने वाली है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए एक बड़ी सी हैवी मशीन, सेकंड रहने वाली है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं बॉटल कैपिंग का काम करना चाहते हैं, जूस का काम करना चाहते हैं उनके लिए, और तीसरी रहने वाली है होम यूज़ के लिए भी है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी है, जो हैंड हेल्ड है मतलब कि हाथों से पकड़ कर इजी टू वे के अंदर बॉटल कैपिंग है वो कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में आज मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कि आप कौन सी मशीनरी बाय करेंगे जिससे आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते और बहुत ही कम दाम के अंदर राइट ह्यूमन के माध्यम से खरीद सकते हैं, और आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट एडवांस रहता है, बाकी हम जो पेमेंट रहता है वो सीओडी के अंदर रहता है। तो उसी तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बॉटल कैपिंग मशीन खरीदनी है तो मैं कौन सी बॉटल कैपिंग मशीन खरीदूंगा, वैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी बॉटल कैपिंग मशीन आती है जिनका प्राइस सेगमेंट बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, मतलब कि उस प्राइस सेगमेंट के अंदर तो आप पाउच फिलिंग मशीन के साथ ये बॉटल कैपिंग मशीन भी खरीद लोगे। मतलब कि एस्टिमेट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ना तो ये बॉटल कैपिंग मशीन अराउंड मार्केट के अंदर आपको 11,000 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस मशीन का प्राइस सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ 4,800 रुपये, इस मशीन का प्राइस सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ 4,800 रुपये है। इसको आप 500 रुपये एडवांस रहता है, बाकी 4,300 रुपये सीओडी मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी से आप हमारी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। इस मशीन के कंप्लीट फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ, ये मेरे पास में इंडस्ट्रियल यूज़ मशीन है, इसका जो प्राइस सेगमेंट रहता है वैसे अगर आप नॉर्मली मार्केट के अंदर लेने जाओगे ना तो 25,000 के आसपास आएगी, मतलब कि 25,000 रुपये, लेकिन राइट ह्यूमन ही आपको स्पेशल प्राइस मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये की रेंज के अंदर दे रहा है, जिसके अंदर 1,000 रुपये एडवांस है, बाकी 7,000 रुपये कैश ऑन डिलीवरी रहने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मेरे हाथ के अंदर एक और छोटी सी मशीन है, ये भी सेम इंडस्ट्रियल मशीन का ही यूज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग के अंदर ये हमारी मशीन आती है और ये कहीं पे भी पोर्टेबल असेंबल वगैरह हो सकती है। ये मार्केट के अंदर एस्टिमेट 15,000 रुपये के रेंज के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन राइट ह्यूमन से आप डायरेक्टली मात्र 5,000 रुपये से इसको है वो बाय कर सकते हैं। तो इन तीनों मशीन की सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, कि ये पोर्टेबल है मतलब कि इजी टू वे के अंदर कहीं पर भी इसको आप फिट कर सकते हो, अपने हाथ से यूज़ करना, हाथ से भी कर सकते हो ये वाली मशीन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वॉल माउंट के अंदर यानी कि दीवार पे टेबल पे वगैरह फिट करनी है तो इस प्रकार की मशीनों को आप है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिटिंग किस प्रकार से करनी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये वाली मशीन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये अब तक का सबसे दमदार प्रोडक्ट रहने वाला है। इस मशीन को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। पर दोस्तों ये मशीन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है जो ये सोचे थे कि मुझे बॉटल का ढक्कन लगाना भी है और बॉटल का ढक्कन ओपन भी करना है। मुझे बॉटल का ढक्कन लगाना भी है और बॉटल का ढक्कन ओपन भी करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बात भूल गया, जो इस वीडियो को देख रहे ना उनको पता नहीं कि बॉटल कैपिंग मशीन क्या काम आती है, तो उनको मैं छोटा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बॉटल्स है। ठीक है, ये लिक्विड की बॉटल्स है। अब बॉटल्स का मार्केट इतना लंबा चौड़ा हो गया है कि आपको कोई क्या आप भी खाने और पीने की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या करते हैं उनका बिजनेस, अगर आप भी फूड रिलेटेड किसी भी बिजनेस के अंदर हैं तब आपके पास फूड लाइसेंस होना कंपलसरी है, मतलब कि FSSAI का लाइसेंस। तो अभी से अपना जल्दी से फूड लाइसेंस बनवाने के लिए डायरेक्टली हमें कॉल करें, क्योंकि ये आपको एक भारी भरकम जुर्माने से बचा सकता है। तो जल्दी से अपना फूड लाइसेंस बनवाइए। कोई भी चीज़ लिक्विड आइटम के अंदर कोई भी चीज़ है, चाहे वो तेल हो, पानी हो, जूस हो, नमक का तेजाब हो, फिनाइल हो, एक्स वाई जेड, कोई भी लिक्विड आइटम है उसको बॉटल के अंदर ही पैक किया जाता है। बॉटल के अंदर क्या, एक तो सस्ती मिल जाती है और हाई कहीं अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपको फिलिंग मशीन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन इसको जब हम ढक्कन लगाते हैं ना, इसको ढक करने की मशीन बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। ठीक है, तो इसको हम बॉटल कैपिंग मशीन बोलते हैं। तो मैं इसी बॉटल कैपिंग मशीन के बारे में आज आपको बता रहा था। ठीक है, कि इसको ढक लगाने की प्रोसेस को ही हम बॉटल कैपिंग कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मॉडल ये है मेरा, जो ये चाहता है कि मुझे बोतल का ढक मतलब कि पैक भी करना है और कभी ज़रूरत पड़े तो ओपन भी करना, तब उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले। इसके अंदर अलग अलग घेर दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आप इसका पावर को बढ़ा भी सकते हो, पावर को कम भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ के अंदर अगर आप इसकी स्पीड को
कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये मशीन ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो लिक्विड की बॉटल है 32 mm तक, जिनके ढक्कन का साइज होता है 32 mm तक, वो डायरेक्टली इससे आवे वो पैक कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं इसको आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ लाइट के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली कोई नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिया और ये प्लग एंड प्ले है, डायरेक्टली लाइट के अंदर लगा दिया। अब ये मशीन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये मशीन है वो वर्क कर रही है। मैं सबसे पहले इस मशीन को आपके सामने बताने वाला हूँ, थोड़ा सा कैमरा अगर पास में लाते हैं ना तो ये जो बटन रहता है ना ये इसको मशीन को ऑन करने का, यानी कि जैसे स्टार्ट करोगे ना तो ये राउंड अप है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर पावर गियर दिए हो कि आपको कितने नंबर पर इसको है वो रनअप करना है। वैसे अगर आप एक नंबर पर चलाओगे तो थोड़ा पावर कम होगा, 30 नंबर पे चलाओगे तो इसका पावर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ये इंडिकेट कर रहा है ये कि कितने आपको रखना है, ठीक है। अभी जैसे इसको मैंने आप मर्जी से 13 पे रख दिया, ठीक है, तो 13 का ही ये पावर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर एक बटन रहता है ये वाला कि अगर मुझे ढककर लगाना है तब इसको बटन को नीचे करना है, अगर मुझे वापस इस ढक को ओपन करना तब मैं ऊपर करूँगा ना तो इसका वो रिवर्स ये है वो घूमने लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। और उसके बाद अब मैंने एक और फीचर बताया था कि इसके अंदर आप स्पीड भी है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल अगर आपको करनी है ना तो स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये लाइट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने स्पीड के अंदर इसको घुमाना, मैं इसको थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि ये बॉटल्स का ढक्कन है ये अच्छी ढंग से फिटिंग है, ठीक है, अब मुझे इसको ओपन करना है। ये मैंने लिया, अब मैं इसको, ये बॉटल का ढक्कन है वो ओपन हो चुका है, देख लिया आपने। अभी मुझे वापस इस ढक्कन को लगाना है ना तो मैंने इसके ऊपर रख दिया और ये जो बटन है ना इसको मुझे नीचे करना है, ये वाला नीचे कर दिया। अब मैं इसके ऊपर मशीन के ऊपर जैसे रखता हूँ और ये बॉटल का ढक्कन अच्छे ढंग से वो पैक हो चुका है, 1 माइक्रोसेकंड के अंदर ये बॉटल अच्छे ढंग से वो पैक हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे इसको करता हूँ तो ये आसानी से मेरा ढक्कन है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन है। अब इस मशीन के अंदर सबसे अच्छी बात क्या पता आपको, ये जो डाई आती है ना ये पूरी एल्यूमिनियम की आती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बीस इसका एल्यूमिनियम का आता है और इसके बाद ये हार्ड मटेरियल से बनी हुई, मतलब कि प्लास्टिक के ऊपर का पार्ट आता है, ठीक है। इसके अंदर आपको 1 ईयर की है वो फुल्ली कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन के साथ आप व्हाट्सएप से भी है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये एक ही मॉडल रहता है, इस मशीनरी के अंदर कोई भी दूसरा मॉडल नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये मशीन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है जो मतलब कि नमक का तेजाब पैक करते हैं, फिनाइल पैक करते हैं, पानी पैक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पैक करते हैं या फिर XYZ कोई भी लिक्विड आइटम पैक करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है वो रहने वाली है। मैं आपको दूसरी मशीन बताने वाला हूं जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए 8000 वाली, एक 5000 वाली। मैं थोड़ा सा कैमरा उस साइड अगर लेके जाता हूं ना तो मैंने यहां पे ये ऑलरेडी मशीन को है वो इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इस मशीन को वैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, इस मशीन जो राइट ह्यूमन की हमारी मशीनरी है यहाँ पे इंस्टॉल किया। वैसे अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तब आप इस मशीन को कहीं पर भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे सेट करना है ना तो ये यहाँ पर भी सेट हो जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पे दो मतलब कि स्क्रू आप लगा के आप यहाँ पे भी इसको है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे इसको दीवार पे लगाना है तब आप इसको दीवार पे भी इस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है, आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन ये वाली जो मशीन है ना बहुत ज़्यादा मजनी है ये, वैसे इस मशीन को आप मतलब कि दीवार पे वगैरह कहीं नहीं लगा सकते। अगर आप कुछ जुगाड़ करते हैं और इस बटन को कंटिन्यू प्रेस रखकर भी आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सेट हो सकती है, ये इस प्रकार से यहाँ पे सेट हो सकते हैं, ठीक है। और ये बटन आपको प्रेस हमेशा करके रखना पड़ेगा तब आप इसको भी है वो वॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लगा दिया है तो मैं इस मशीन का रिव्यू करने वाला हूँ लाइव। सबसे पहले मैं इस मशीन के आपको कुछ फीचर बता देता हूँ कि इस मशीन के अंदर क्या फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मशीन आती है ये 26 mm से लगाकर 28 mm तक सपोर्ट करती है बॉटल्स का ढक्कन, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम की 100% डाई मिल जाती है, ठीक है, अप टू 10 ईयर 11 ईयर तक, मतलब कि अगर आप इसका कंटिन्यू करोगे ना तो इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। इसका RPM बहुत ही कम रहता है जिसके कारण ये ढक को अच्छे ढंग से पैक करती है। साथ के अंदर इसकी जो बॉडी है ना वो हार्ड मेटल से बनी हुई है और ये बॉडी पाउडर कोटिंग इसके अंदर की हुई है, ठीक है। एयर के लिए यहाँ पे स्पेशल एक फ्लो दिया गया है। बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कि मतलब कि कितनी पावरफुल रहती है। इसके अंदर भी एक आपको 1 ईयर की फुल्ली वारंटी मिल जाती है, ठीक है।
अब मैंने इसका ये कम्प्लीट ही डेमो रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं बता सकते कि यार इसके अंदर वो, क्योंकि नॉर्मल है कि इस मशीन का काम है सिर्फ घूमना, एक फिक्स आरपीएम पर घूमना होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत तेज़ घूमती है, बहुत कम घूमती है, तो उसके अंदर के आरपीएम के ऊपर लोड पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस मशीन को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसका आरपीएम एक फिक्स रहता है, क्योंकि जो बॉटल्स का जो ढक्कन आता है ना, ठीक है, जब हम इसको हाथ से खोलते हैं ना, तो मतलब ये हाथ से पैक करते हैं ना, बहुत अच्छे ढंग से होता है, लेकिन हम इसको जब ज़्यादा करने की जाएंगे ना, तो सारा प्लास्टिक का रहता है, तो थोड़ी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको साइड के अंदर कर देता हूँ। चलिए, तो चलिए सबसे पहले मशीन को उठा लेते हैं ऊपर, और मैंने मशीन को ऊपर कर दिया। ठीक है, ये राइट ह्यूमन की स्पेशल पाउच फिलिंग मशीन है। ये जो मशीन ओनली सेपरेट मशीन अगर आप लेते हैं ना, तो 18-19 हज़ार की रेंज के अंदर आती है। ठीक है, मैं इस मशीन को डायरेक्टली यहाँ से है, इसका एक बॉटल कैपिंग मशीन, ये वाले, ये इसका वायर है और ये दूसरे का वायर है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लग कर दिया, तो ये वाली मशीन है वो ऑन हो जाएगी, ये कर दिया। मैं इस दूसरी वाली मशीन को भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये वाली मशीन जैसे प्लग के अंदर करता हो तो ये दूसरी वाली मशीन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब इन मशीन का काम क्या था, सिर्फ राउंड अप करना, मतलब इसके अंदर देख पाओगे कितना ज़्यादा पावर है। ठीक है, ये मैंने बॉटल्स ली। अब इसके अंदर दो तरीके हैं किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। एक, मैं यहाँ पे बॉटल के अंदर इस प्रकार से ढक्कन लगाऊंगा और ये कर दूंगा, तो ये अपना पैक हो जाएगा। ठीक है, ये पैक हो गया अच्छे ढंग से। ठीक है, दूसरा रहता है कि मैं बॉटल के ऊपर ये ढक लिया, मैंने इसके ऊपर ही ज़्यादा क्लिक कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा, तो ये और भी अच्छे ढंग से मतलब कि पैक हो जाएगा। ठीक है, ये पैक हो चुका है। ठीक है, वो का वो सेम प्रोसेस उसके अंदर भी रहती है, बिना कोई साउंड इसके अंदर, कोई भी आपको अदर साउंड मतलब कि कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कि दू आवाज़ वगैरह आती है, बहुत ही साइलेंट मोड के अंदर काम करती है ये। इस प्रकार से भी आप इसके अंदर, ये है मतलब कि आपका हो गया। ठीक है, आराम से पैक हो गया। दूसरा तरीका, इसके ऊपर रखोगे और पैक करते जाओगे, क्योंकि जिनका फास्ट काम रहता है, एक बॉटल ली, दूसरी बॉटल ली, तीसरी ली, तो ये फास्ट है, वो वर्क करती है। तो ये मशीन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है जो ये सोचते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा लिक्विड की आइटम में फील होती है, जैसे कि अंदर एक्स्ट्रा जेड लिक्विड की आइटम फील हो गई, एक से आ रही है दूसरे से, डप 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 करके आप पैकेजिंग करते, तो वो वाले थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो इस मशीन को भी आप बाय कर सकते हैं। प्राइस सेगमेंट रहने वाला इंडस्ट्रियल यूज मशीन है, 8000 का रहने वाला है। ये भी सेम कैटेगरी के अंदर आती है, इसका स्मॉल छोटा सा रूप है, ये मात्र 5000 रुपये की है। ठीक है, तो बॉटल कैपिंग मशीन के अंदर भी ट्रेंड चल रहा है कि कैटेगरी वाइज हम कौन सी ले। पहले ये होता था कि ये क्या, तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी आप अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि हैंडल्ड जो मशीन आती है ना, ये बेस्ट रहती है उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू जिनका वर्क स्पेस चेंज होता रहता है। किसी आज उस लेडीज़ को काम दिया तो वो आगे से आगे आगे से आगे जा रही है, या जिनको बैठ के काम करना पड़ता है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे पोर्टेबल भी चाहिए और फिटिंग वाला भी चाहिए, तब ये वाला मॉडल या फिर ये वाला मॉडल उनके लिए वो बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट आपको पूरा का पूरा मैंने गाइड कर दिया कि अब आप बॉटल कैपिंग मशीन को डायरेक्टली वो बाय कर सकते हैं, और बाय करने के लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली सिंपली अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, राइट ह्यूमन और राइट ह्यूमन लाइट करके, और लाइट इजी टू वे के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, फास्ट इंस्टॉल हो जाएगी, और वहाँ पे पेमेंट भी क्विक हो जाता है। साथ के अंदर इसके अंदर 500 रुपये एडवांस है, छोटी वाली मशीन के अंदर भी 500 रुपये एडवांस है, इसके अंदर 1000 रुपये एडवांस है, और अदर पेमेंट आपके COD रहेगा। व्हाट्सएप से ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप से भी हो जाएगा, आपको इंस्टेंट बिल और उसका ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, तब आपके पास जैसे आपका सामान, बाकी का पेमेंट आपको कोरियर वालों को देना, कुछ 500-1000 रुपये आपके लिए एडवांस रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने, तब आप हमसे पाउच फिलिंग मशीन वगैरह है, जूस की मशीन है, इस प्रकार की लीची की मशीनरी भी आप है वो बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।